नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं आपके लिए लाया हूँ होम्योपैथी फार्मासिस्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। अभी आपका DSSB का एग्जाम होने वाला है तो विशेष उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। वीडियो बहुत ही मुश्किल से तैयार होती है, मेहनत से तैयार होती है, तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 49वां देखते हैं। वायोला ट्राईकॉलर एब्रिविएशन इज, यानी कि वायोला ट्राईकॉलर का एब्रिविएशन क्या है? ऑप्शन ए है Viola.T. ऑप्शन बी है B.T. ऑप्शन सी है VI.TRI. ऑप्शन डी है नन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए Viola.T. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50वां है आपका। ओलियम एनिमेल एब्रिविएशन इज, ओलियम एनिमेल का जो है एब्रिविएशन कौन सा है? ऑप्शन ए है OL.AN. ऑप्शन बी है OLE.ANIM. ऑप्शन सी है OLEU.ANI और ऑप्शन डी है नन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी OLE.ANIM। इसका PDF आपको क्या नाम है वो जो है आपका ग्रुप उसका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का व्हाट्सएप पे, तो उस पर आपको PDF इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। रेनाकुलस बल्बस इज एब्रिविएटेड एच, ऑप्शन ए है RAN.Bulb. ऑप्शन बी है RBB. ऑप्शन सी है RAN.Bulb. ऑप्शन डी है नन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होना है ऑप्शन सी RAN.Bulb. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। HPUS यूनिफॉर्म स्टैंड ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन, ऑप्शन ए है 1/10, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1/100, ऑप्शन डी है 1/9। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। ट्राइचुरेट इज कन्वर्टेड टू लिक्विड आफ्टर, ट्राइचुरेट जो है कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड किसके बाद? ऑप्शन ए है आपका 1x, ऑप्शन बी है 6x, ऑप्शन सी है 3x, ऑप्शन डी है 12x। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6x। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है आपका। नंबर ऑफ सक्शन गिवन टू प्रिपेयर एलएम पोटेंसी के लिए कितने सक्शन करने होते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 200। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। मर्क्यूरियल प्रिपरेशन आर ट्राइचुरेटर यूजिंग, इसमें आपको भरना है मोर्टार एंड पिस्टल। तो ऑप्शन ए है वुडन, ऑप्शन बी है एडेट, ऑप्शन सी है पर्सिलिन, ऑप्शन डी है ग्लास। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लास, यहाँ पे आपको ग्लास भरना है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका। पोटेंटाइजेशन हेल्प्स रिवील पिक्युलर, इसमें आपको भरना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज या फिर ड्रग। ऑप्शन ए है टॉक्सिक, ऑप्शन बी है वाइटल, ऑप्शन सी है इंडिविजुअलिस्टिक, ऑप्शन डी है कम्प्लीमेंट्री। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टॉक्सिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। इन होम्योपैथी ए प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट ए क्वांटिटेटिव रिडक्शन इन द ड्रग सब्सटेंस बट ए क्वालिटेटिव इंक्रीज इन इट्स मेडिसिनल और थेरापेटिक प्रॉपर्टी इज। बहुत सारे बच्चों ने एक कमेंट किया था कि आप वीडियो को हिंदी में बनाया करें, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि जब DSSB का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद प्रॉपरली रेगुलर क्लास आपका चलेगा, तो उसमें आपको हिंदी में ही सब कुछ बताया जाएगा। ये तो बहुत ही टेम्परेरी में वीडियो बनाना पड़ रहा है, अपने नोट्स से मैं आपको बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है? तो जब DSSB का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे, यानी कि DSSB का एग्जाम 20 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आप चैनल से जुड़े रहते हैं तो वीडियो रेगुलर आपकी चलती रहेगी, नई वीडियो अपलोड होती रहेंगी। आप देखते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे राज्यों में वैकेंसी आनी है, UP 3+C में भी बाकी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है सक्शन, ऑप्शन बी है पोटेंटाइजेशन, ऑप्शन सी है आयनाइजेशन, ऑप्शन डी है डाइल्यूशन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोटेंटाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है। सेंटिसिमल पोटेंसी इज डिस्कस्ड इन, ऑप्शन ए है मेटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑप्शन बी है क्रोनिक डिजीज, ऑप्शन सी है फिफ्थ एडिशन ऑफ आर्गन, ऑप्शन सी है एट्थ एडिशन ऑफ आर्गन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ एडिशन ऑफ आर्गन।
क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, मेटेलिक हार्ड एंड स्टोनी हार्ड ड्रग आर ट्राइजुरेटेड फॉर 1 एक्स और 1 सी फॉर। ऑप्शन ए है 4 आवर, ऑप्शन बी है 2 आवर, ऑप्शन सी है 3 आवर, ऑप्शन डी है 1 आवर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 60वां देखते हैं, इन एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटलिस द पार्ट यूज्ड इज। ऑप्शन ए है जूस ऑफ एपिकॉर्प, ऑप्शन बी है सीड्स, ऑप्शन सी है एनल, ऑप्शन डी है फ्रूट। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जूस ऑफ एपिकॉर्प। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, जब तक एंजॉय दिस वीडियो।